नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं हमारा डेली पॉडकास्ट कंपनी नामा। एयर इंडिया कहां खर्च करेगी $40 करोड़, इंफोसिस ने AI के लिए किस कंपनी के साथ की साझेदारी, JSW इंफ्रा IPO कितना सब्सक्राइब हुआ, PNB और वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर क्या है ताजा अपडेट, बताएंगे आपको इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी नामा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। ई गेमिंग के बैट वैल्यू पर 28% GST के बाद अब टैक्स की तलवार लटक रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यानी DGGI ने 55,000 करोड़ रुपए के बकाए टैक्स की वसूली के लिए दर्जन भर कंपनियों को प्री शो कॉज नोटिस भेजा है। इसमें ड्रीम 11 को मिला 25,000 करोड़ रुपए का नोटिस शामिल है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स नोटिस हो सकता है। आने वाले हफ्तों में और नोटिस भेजे जाने की आशंका है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी से बकाया वसूलने के लिए अब उसके एक सोलर प्लांट और मुंबई के फ्लैट की नीलामी होगी। मुंबई का डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल नीरव मोदी से करीब 2,348 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सोलर प्लांट और फ्लैट की नीलामी करेगा। नीरव मोदी ने करीब कुल 8,526 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने सिटिंग, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट जैसी विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं देने के लिए $40 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। कंपनी के CEO कैमवेल विल्सन ने ये जानकारी दी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर शिव कुमार पांडे और चीफ ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट नयन मेहता ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नियामक जानकारी में BSE ने कहा है कि नए अफसर मिलने की वजह से इन अधिकारियों ने पद छोड़े हैं। भारत में लैपटॉप उत्पादन की होड़ में अब कोरियाई कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अगले महीने से ही भारत में लैपटॉप का उत्पादन शुरू करना चाहती है। सरकार आयात पर अंकुश के लिए कई तरह की रियायतें दे रही है। अभी भारत में डेल, लेनोवो एंड HP जैसी विदेशी कंपनियां लैपटॉप का उत्पादन कर रही हैं। देशी प्रमुख फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 ने GST विभाग के टैक्स नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने बेट के नॉमिनल वैल्यू के आधार पर 28% GST देने के आदेश को चुनौती दी है। IT दिग्गज इंफोसिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए ऐसे समाधान पेश किए जाएंगे जिनमें इंफोसिस के AI फर्स्ट ऑफरिंग टोपाज और माइक्रोसॉफ्ट के Azure OpenAI सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक पर पूंजी और कमाई की जानकारी देने में कोताही बरतने का आरोप है। इसके बाद अब बैंक कोई भी बैंकिंग गतिविधि नहीं कर पाएगा। दवा कंपनी सिप्ला ने हिमाचल प्रदेश में अस्पतालों और फार्मेसी को कार्डियक रेसिपेटरी जैसी जरूरी दवाओं की आपूर्ति ड्रोन से शुरू की है। कंपनी ने इसके लिए स्काई एयर मोबिलिटी से साझेदारी की है। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जेरोधा के वित्त वर्ष 2023 की आय में 40% का उछाल आया है। इस दौरान कंपनी को करीब 6,875 करोड़ रुपए की आय हुई है। इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा करीब 2900 करोड़ रुपए रहा। बाइक और ऑटो रिक्शा एग्रीगेटर रैपिडो ने अपने बेड़े में करीब 200 महिला ऑटो रिक्शा कैप्टन यानी ड्राइवर्स को शामिल करने का फैसला किया है। कंपनी का दावा है कि उससे जुड़ी महिला ड्राइवर हर महीने 25,000 से 30,000 रुपए की कमाई कर सकेंगी। ब्यूटी केयर स्टार्टअप पिलग्रिम ने अपने कारोबारी विस्तार के लिए करीब 2 करोड़ रुपए के फंड जुटा लिए हैं। कंपनी के लिए फंडिंग के इस राउंड में वर्टेक्स वेंचर साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया के साथ ही मौजूदा निवेशक फायरसाइड वेंचर एंड नरोत्तम सेक्सरिया फैमिली ऑफिस शामिल हुए। पब्लिक सेक्टर की कंपनी वेबकॉस को अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO वापस लेना पड़ा। योजनाओं के मुताबिक सरकार इस ऑफर फॉर सेल के तहत करीब 3.25 करोड़ शेयर बेचना चाहती थी। ये IPO 26 सितंबर को आना था, लेकिन 21 सितंबर को ही कंपनी ने IPO का प्रपोजल वापस ले लिया और इसके लिए कोई वजह नहीं बताई। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO निवेश के दूसरे दिन 2.24 गुना सब्सक्राइब हो गया है। इसका रिटेल यानी छोटे निवेशकों का हिस्सा 4.77 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसका प्राइस बैंड 113 से 119 रुपए है। कंपनी इस IPO के जरिए 2800 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। हाल में शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी विष्णु प्रकाश आर पंगलिया के शेयरों में अच्छी मजबूती देखी जा रही है।
और ये एक महीने से भी कम समय में दोगुने हो गए। मंगलवार को इसके शेयर 7% की उछाल के साथ BSE पर 189.11 रुपए की नई ऊंचाई तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में करीब 3% की तेजी के साथ 181.52 रुपए पर बंद हुए। इसकी लिस्टिंग गत 5 सितंबर को 99 रुपए पर हुई थी। संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर 20 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर करीब 8% तेजी के साथ 12.20 रुपए की ऊंचाई तक पहुंचे। कारोबार के अंत में वोडा आइडिया के शेयर करीब 7% की तेजी के साथ 12.11 रुपए पर बंद हुए। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर मंगलवार को 52 की ऊंचाई पर पहुंच गए। हालांकि कारोबार के अंत में बैंक के शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ 79.34 रुपए पर बंद हुए। इस शेयर का बीटा 1.6 हो गया, जिसका मतलब ये है कि इस साल इसमें काफी उतार चढ़ाव रहेगा। पावर सेक्टर की कंपनी अपार इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार को रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर 5,850 रुपए पर पहुंच गए। कंपनी के बोर्ड ने 28 सितंबर को फंड रेजिंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कारोबार के अंत में इसके शेयर करीब 7% तेजी के साथ 5,804.70 रुपए पर बंद हुए। तो आज के लिए कंपनी नामा पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। ये कॉपी आपके लिए लिखी है हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरी ने। कॉर्पोरेट जगत की और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कीजिए हमारे मनी 9 के ऐप को।